ओप्पो इंको M32, डीजो वायरलेस डैश, बोट रॉकर्स 255 नियो और ये है डीजो वायरलेस पावर। भाई चारों नेक बैंड को आज के इस वीडियो में कंपेयर करने जा रहा है एंड ये चारों ही नेक बैंड जो है अंडर 1500 रुपीस के आसपास के आते हैं। ओप्पो इंको बड्स जिसका रेगुलर प्राइस है 1800 रुपए बट ये भी आपको सेल के टाइम पे 1500 रुपीस के अंदर मिल जाता है। तो अगर आप 1500 रुपए के अंदर एक बेस्ट नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहे। सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट है एंड कौन सा आपको इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारे पास ये चारों ही नेक बैंड एंड वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को ऊपर कंपेयर करेंगे एंड बताएंगे आपको कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो अगर सबसे पहले बात करूं इन चारों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो अगर आप साइड के मॉड्यूल को देखेंगे तो सभी आपको यहां पर प्लास्टिक का मिल जाता है एंड प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो भी आपको यहां पर काफी अच्छा मिल जाता है। बट बोट रॉकर्स 255 नियो का जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो मुझे यहां पर सबसे बेस्ट लगा है बाकी के मुकाबले। जो मॉड्यूल का डिजाइन है इसको अगर आप देखेंगे तो डीजो का जो डिजाइन है वो मुझे दोनों का ही काफी अच्छा लगा है। एक में आपको हनीकॉम जैसा डिजाइन मिल जाता है, दूसरे में भी आपको काफी अच्छा डिजाइन एट्रैक्टिव सा डिजाइन मिल जाता है जो कि भाई मुझे पर्सनली दिखने में काफी अच्छा लगा। एंड एक चीज कॉमन है चारों में कि सारा जो बटन्स एंड पोर्ट्स वगैरह वो आपको चारों में ही राइट साइड में मिल जाता है। बट हाँ एक डिफरेंट है कि ओप्पो इंको M32 में आपको जो बटन्स वगैरह है वो आपको अंदर के साइड में देखने को मिलता है, बाहर के साइड में ये नहीं है। एंड सभी में आपको लेफ्ट साइड में कंपनी का ब्रांडिंग मिल जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं। एंड इन चारों में आपको USB टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है बट ओप्पो इंको M32 एंड बोट रॉकर्स 255 नियो में इसको कवर भी किया गया, तो ये एक अच्छा चीज है। इसके बाद अगर बात करूं पीछे के नेक बैंड के में तो ओप्पो इंको M32 में आप देख सकते हैं नेक बैंड जो है ऑलमोस्ट आपके नेक के हिसाब से पहले से बैंड होकर रखा हुआ है। एंड सिमिलर चीज आपको बोट रॉकर्स 255 नियो में भी देखने को मिल जाता है। एंड चारों ही बहुत सॉफ्ट है, अगर आप पॉकेट में भर के कहीं पर कैरी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप काफी इजीली कर सकते हैं। बट बोट रॉकर्स 255 नियो का जो पीछे का नेक बैंड है ये आपको थोड़ा मोटा मिलता है, राउंड जैसा यहां पर यूज किया गया एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है। एंड ओप्पो इंको M32 का सबसे आपको यहां पर पतला मिलता है। एंड इसके बाद अगर बात करूं वायर के बारे में तो डीजो का जो दोनों नेक बैंड है दोनों का ही जो वायर है आपको सेम जैसा मिल जाता है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सेम थिकनेस के साथ आता है, सेम डिजाइन को फॉलो करता है। बट बोट रॉकर्स 255 नियो का जो वायर है वो आपको हल्का फ्लैट जैसा यहां पर मिल जाता है एंड भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा है। एंड ओप्पो इंको M32 का जो वायर है वो आपको यहां पर सबसे पतला मिल जाता है इन चारों के मुकाबले। एंड अगर आप देखेंगे तो वायर में आपको यहां पर तीनों नेक बैंड में कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है सिवाय डीजो वायरलेस पावर के अलावा। डीजो वायरलेस पावर में आपको यहां पर जॉइंट में काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है मॉड्यूल से अगर आप वायर की तरफ देखेंगे, तो ये चीज मुझे डीजो वायरलेस पावर का अच्छा लगा। इसके बाद अगर आप एयर प्लग को देखेंगे तो चारों में ही एक चीज जो कॉमन है वो है आपको चारों में ही मैग्नेटिक कंट्रोल का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप दोनों एयर प्लग को अलग करेंगे आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, आपको मैनुअली इसको पावर ऑन करने का जरूरत नहीं है एंड जैसे आप एक साथ रख देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली बोट के बहुत कम ईयरफोन में ये चीज देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप डिजाइन को देखेंगे तो डीजो के जो दोनों नेक बैंड है इन दोनों में ही सेम ईयर प्लग का यूज किया गया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे डिजाइन वाइज दोनों ही एग्जैक्टली सिमिलर है, सेम चीज को यहां पर दोनों में यूज किया गया है। बट बाकी दोनों का जो डिजाइन है वो आपको डिफरेंट मिल जाता है, स्पेशली ओप्पो इंको M32 का जो डिजाइन है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा क्योंकि सामने के साइड में पूरा आपको यहां पर रबर का ग्रिप मिल जाता है तो जब भी आप कान में पहनते हैं तो काफी अच्छे से ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है एंड बाहर का जो नॉइज है वो आपके कान में बहुत कम आता है। साथ ही यहां पर दो छोटा छोटा एयर हुक्स का भी यूज किया गया जिसके वजह से आपके कान में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है एंड इसके वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता, आप कंफर्टेबली बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। एंड एयर प्लग के पीछे के साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप बोट रॉकर्स 255 नियो को देखेंगे तो यहां पर भी एयर हुक्स का यूज किया गया एंड अगर आप रनिंग करते वक्त या फिर जिम करते वक्त यूज करते हैं तो एयर हुक्स की वजह से आपके कान से कभी भी नहीं गिरता है। बट हां जो एयर टिप्स का यूज यहां पर किया गया वो मुझे उतना सॉफ्ट नहीं लगा बट बाकी तीनों का जो एयर टिप्स है वो आपको काफी सॉफ्ट मिल जाता है। सो यहां पर अगर बात करो कंफर्ट के बारे में तो चारों ही नेक बैंड आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मिल जाता है, आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। एंड अगर बात करो सबसे ज्यादा कंफर्ट के बारे में तो ओप्पो इंको M32 मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगा है। नेक्स्ट पोजीशन में मैं डीजो के दोनों ही नेक बैंड को रखना चाहूंगा क्योंकि दोनों में सेम एयर प्लग का यूज किया गया एंड लास्ट में मैं बोट रॉकर्स 255 नियो को रखना चाहूंगा। एंड डीजो के दोनों ही नेक बैंड में आपको IPX4 का सपोर्ट मिल जाता है तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ओप्पो इंको M32 में आपको IP55 का रेटिंग मिलता है तो पानी के साथ साथ डस्ट प्रूफ भी ये बन जाता है एंड बोट रॉकर्स 255 नियो में IPX6 का रेटिंग मिल जाता है तो सबसे तगड़ा रेटिंग आपको यहां पर मिल जाता है। ओवरऑल अगर बात करूं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो बोट रॉकर्स 255 नियो का जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा है। एंड अगर बात करूं डिजाइन वाइज तो डीजो वायरलेस डैश मुझे डिजाइन वाइज सबसे बेस्ट लगा है क्योंकि अगर आप साइड के डिजाइन को देखेंगे तो ये भाई दिखने में काफी अच्छा एंड अट्रैक्टिव सा लगता है। और ये जो माइक है वो कितना नॉइस को कैंसिल कर देता है।
आउटडोर कॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉइस को कितना अच्छे से कैंसिल कर पाता है ये समझने के लिए। तो अभी आप ये जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है बोट प्रोकास्ट 255 जीओ के इस माइक से, और जो कॉल है रिसीवर एंड में रिकॉर्ड किया है ताकि एक्चुअली जो माइक का क्वालिटी है वो आपको पता चले कि कैसा है। और अभी हमने यहाँ पर स्विच कर लिया ओप्पो इनको M32 के माइक से, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कॉल है वो सेम जगह पे सेम कंडीशन में कॉल को रिकॉर्ड किया है, तो आप यहाँ पर बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो माइक का क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर किस तरह का मिलता है। तो अभी अभी जो मेरी आवाज सुन रहे ये रिकॉर्ड हो रहा है डीजो वायरलेस डैश के माइक से, तो यहाँ पर आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि जो माइक का क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर किस तरह का मिल जाता है, क्योंकि मैंने आउटडोर में आया हुआ था। तो यहाँ पर भाई जब भी पीछे से कोई गाड़ी वगैरह गुजरते जाता है तो बहुत ज्यादा नॉइज होता है, तो उसके नॉइज को ये किस तरह से कैंसिल कर पाता है। सो यहाँ पर आपने देखा कि जो कॉल क्वालिटी वो आपको चारों में काफी तगड़ा मिल जाता है, जो नॉइज है जो पीछे से गाड़ी वगैरह गुजर के जा रहा था उसके नॉइज को बहुत ही अच्छे से कैंसिल कर रहा था चारों ही नेक बैंड। बट अगर बात करूं यहाँ पर बेस्ट कॉल क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर मुझे डीजो वायरलेस डैश का जो कॉल क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट लगा है भाई, बहुत ही तगड़ा यहाँ पर कॉल क्वालिटी मिल जाता है। जो माइक का क्वालिटी है या फिर पीछे का जो नॉइज है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कैंसिल कर देता है, एकदम भी आपको नॉइज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पोजीशन में मैं रखना चाहूंगा ओप्पो इनको M32 को, भाई इसका कॉल क्वालिटी भी बहुत ही तगड़ा आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं इन चारों के बैटरी बैकअप के बारे में तो सबसे कम आपको बैटरी बैकअप मिलता है डीजो वायरलेस पावर में, क्योंकि यहां पर सिर्फ 150 एमएच के एक बैटरी को यूज किया गया, यानी जितना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं 15 घंटे के आसपास आपको यहां पर बैटरी बैकअप मिलता है। इसके बाद बोट रॉकर्स 255 नियो में 180 एमएच के एक बैटरी को यूज किया गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो 20 से 21 आवर्स के आसपास आपको यहां पर बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसके बाद ओप्पो इनको M32 में कंपनी के हिसाब से आपको 28 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें भी आपको 24 से 25 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड सबसे ज्यादा खतरनाक आपको बैटरी बैकअप मिलता है डीजो वायरलेस डैश में जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, यहां पर 260 एमएच का एक बैटरी को यूज किया गया, एंड कंपनी के मुताबिक आप इसको 30 घंटा यूज कर सकते हैं, एंड मैंने भी जितना यूज किया उसके हिसाब से बता सकता हूं कि भाई आपको 27-28 घंटे से ऊपर बैटरी बैकअप मिल जाएगा, एंड ये भाई मुझे काफी जबरदस्त लगा है बैटरी बैकअप के मामले में। एंड इन चारों ही नेकबैंड में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बट डीजो वायरलेस पावर में मुझे काफी कम लगा है, क्योंकि अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आप सिर्फ 2 घंटा यूज कर पाएंगे। बोट रॉकर्स 255 नियो को एंड डीजो वायरलेस डैश को अगर आप 10 मिनट करके चार्ज करेंगे तो आप 10 घंटा करके यूज कर सकते हैं। एंड सबसे जबरदस्त चीज मिलता है आपको ओप्पो इनको M32 में, अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आप 20 घंटा तक यूज कर सकते हैं, 10 मिनट में 70% चार्ज ये हो जाता है। तो भाई ये काफी इनसेन चीज मुझे लगा है बैटरी बैकअप के मामले में। सो बैटरी बैकअप के मामले में यहां पर आपको 2 विनर मिल जाते हैं, ओप्पो इनको M32 एंड डीजो वायरलेस डैश। नेक्स्ट अगर बात करूं कनेक्टिविटी के बारे में तो ओप्पो इनको M32 में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, एंड बाकी सारे नेकबैंड में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। बट बोट रॉकर्स 255 नियो में 5.2 होने के बावजूद जो कनेक्टिविटी है वो मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा बाकी के मुकाबले, अगर आप कंपेयर करेंगे काफी एवरेज आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है। अगर आप रूम में फोन को रख के बाहर चले जाते हैं बीच में एक ऑब्स्टेकल है तो भाई काफी कट कट के आवाज सुनने को मिलता है, एंड ओप्पो इनको M32 में ब्लूटूथ 5.0 होने के बावजूद जो कनेक्टिविटी वो मुझे काफी तगड़ा लगा है, अगर बीच में 2-3 ऑब्स्टेकल्स है फिर भी ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहता है। सो जो कनेक्टिविटी वो आपको डीजो के दोनों नेकबैंड में एंड ओप्पो में बहुत अच्छा मिल जाता है, एंड बोट में आपको काफी एवरेज मिलता है, एंड जो कनेक्टिविटी टाइम है वो मुझे सभी का बहुत फास्ट लगा है, एंड सबसे फास्ट लगा है डीजो वायरलेस डैश का, भाई ये ब्लेजिंग फास्ट मुझे लगा है, 2-3 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाता है, एंड बाकी तीनों भी बहुत फास्ट है, ऑलमोस्ट 4-5 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाता है, बट ये मुझे सबसे फास्ट लगा है कनेक्टिविटी के मामले में। एक और चीज, डीजो के इन दोनों ही नेकबैंड में आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, ऐप के अंदर से जाके आप इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आपको साउंड सुनना पसंद है उसके हिसाब से आप साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा गेम मोड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, सारा जो बटन फंक्शन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड फर्मवेयर का अपडेट भी आता है जिससे नेकबैंड का जो एक्सपीरियंस है और भी बेटर हो जाता है। तो ये काफी तगड़ा चीज है जो कि आपको बाकी दोनों नेकबैंड में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करूं कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में तो बोट रॉकर्स 255 नियो में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप एक साथ में 2 मोबाइल को कनेक्ट करके रख सकते हैं, अगर एक में आप म्यूजिक सुन रहे हैं दूसरे में आपका कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आप बिना स्विच किए इजीली आप इनकमिंग कॉल को रिसीव कर सकते हैं इसी नेकबैंड के थ्रू, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ओप्पो इनको M32 में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट तो नहीं मिलता है, बट यहां पर आपको डुअल डिवाइस स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर आप 2 मोबाइल यूज करते हैं तो आप एक में यूज कर रहे हैं उसी वक्त अगर दूसरे में आप यूज करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का बटन है अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच कर सकते हैं, तो इसका सपोर्ट आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है। एंड डीजो वायरलेस डैश में भी आपको एक काफी जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलता है, जब भी आपका कोई इनकमिंग कॉल आता है अगर आपका नेकबैंड कुछ इस तरह से रखा हुआ है
तो जब भी आपका कोई इनकमिंग कॉल आएगा, अगर आप इस तरह से ईयर प्लग को अलग करके आपके कान में लगाएंगे तो आपके मोबाइल से तो ये कनेक्ट होगा, साथ ही जो कॉल है वो भी ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, आपको मैनुअली यहाँ पर प्रेस करके कॉल को रिसीव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड ये भाई मुझे एक बहुत ही हैंडी फीचर्स लगता है, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करना पसंद करता हूँ। चलिए सही, फाइनली बात करते हैं चारों के साउंड क्वालिटी के बारे में कि साउंड क्वालिटी आपको किस में ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो अगर आप ड्राइवर साइज को देखेंगे तो ओप्पो इनको एम थर्टी में आपको सबसे छोटा ड्राइवर साइज देखने को मिलता है, सिर्फ 10 mm के ड्राइवर को यहाँ पर यूज किया गया। एंड डीजो के दोनों ही नेकबैंड में आपको 11.4 mm करके ड्राइवर का यूज किया गया। एंड सबसे बड़ा ड्राइवर आपको मिलता है बोट रॉकर्स 255 नियो में, यहाँ पर 12 mm के ड्राइवर का यूज किया गया। सो अगर बात करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में तो भाई मुझे सबसे खराब साउंड क्वालिटी लगा है बोट रॉकर्स 255 नियो का। भाई ड्राइवर तो आपको यहाँ पर काफी बड़ा मिल जाता है बट साउंड मुझे इतना बैलेंस नहीं लगा। यहाँ पर जो बेस है वो आपको बहुत पंची मिल जाता है एंड साथ में जो ट्रबल्स है वो भी भर भर के दिया गया है, इसके वजह से जो वोकल्स है वो आपको उतना क्लियर सुनने को नहीं मिलता है, म्यूजिक सुनने का जो मजा है वो मुझे उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट मुझे लगा है डीजो की तरफ से आने वाला डीजो वेयरलेस पावर, भाई इसका साउंड क्वालिटी मैं बहुत अच्छा कहूंगा, बहुत बैलेंस आपको यहाँ पर साउंड मिल जाता है, जो बेस है जो वोकल्स है वो आपको काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रियल मी लिंक ऐप से जाकर आप इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो आप इससे ले सकते हैं। सो साउंड क्वालिटी के मामले में ये मुझे काफी अच्छा लगा एंड आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। बट डीजो वेयरलेस पावर से भी डीजो वेयरलेस डैश का जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे हल्का सा फाइन ट्यून मुझे लगा है, क्योंकि सिमिलर यहाँ पर ड्राइवर का यूज किया गया 11.4 mm ड्राइवर, दोनों में आपको देखने को मिल जाता है, तो दोनों में ही साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है बट हल्का सा ये मुझे ज्यादा क्लियर लगा अगर आप डीजो वेयरलेस पावर के मुकाबले कंपेयर करेंगे। एंड जो बेस है वो मुझे हल्का सा यहाँ पर ज्यादा बेटर लगा है, तो स्पेशली अगर आप एक बेस लवर है, आप बेस के लिए परचेस करना चाहते हैं तो भाई आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ पर आपको बेस देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से नंबर 2 में आता है। बट हाँ एक चीज है कि इन दोनों ही डीजो के नेकबैंड में आपको सिर्फ एसबीसी कोडेक का ही सपोर्ट मिल जाता है, एईसी कोडेक का सपोर्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, बट उससे आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड क्वालिटी काफी अच्छा मिल जाता है, तो आप साउंड क्वालिटी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बट अगर बात करो नंबर 1 के बारे में तो भाई ओप्पो इनको M32, ओप्पो का जितना भी साउंड का डिवाइस है भाई बेस्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको देता है एंड सिमिलर चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है। ओप्पो इनको M32 का जो साउंड क्वालिटी है भाई काफी जबरदस्त आपको यहां पर मिल जाता है। एंड इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ड्राइवर साइज के ऊपर मत जाइएगा, यहाँ पर सबसे छोटा 10 mm का ड्राइवर का यूज किया गया, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है। स्पेशली अगर आप म्यूजिक लवर है तो भाई इससे बेटर साउंड क्वालिटी आपको अंडर 2000 रुपीस में किसी भी नेकबैंड में देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली जो ट्रबल का क्वालिटी है ना वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो छमछम वाला साउंड है ना भाई काफी जबरदस्त आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाता है। अगर आप रोमांटिक टाइप का सैड टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, आप केके का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं जिसको हमने रिसेंटली खोया है, भाई बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आप हर एक बीट को आप हर एक आवाज को फील कर पाएंगे इस नेकबैंड के साथ। ओप्पो का साउंड सिग्नेचर ही कुछ अलग होता है एंड जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही जबरदस्त साउंड क्वालिटी आपको यहां पर मिल जाता है, मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आता है साउंड क्वालिटी के मामले में। सो यहीं पे अगर बात करूं गेमिंग के बारे में तो ओप्पो इनको M32 में आपको कोई भी गेमिंग मोड का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट बाकी तीनों ही नेकबैंड में आपको मिल जाता है। डीजो के दोनों नेकबैंड में आपको 88 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड मिलता है, जबकि बोट रॉकर्स 255 नियो में आपको बीस्ट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए बताएंगे आपको सब कुछ, बट उससे पहले चलिए गेमिंग लेटेंसी टेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ओप्पो इनको M32 में कोई भी गेमिंग मोड ना होने के बावजूद जो लैटेंसी वो आपको काफी कम देखने को मिल जाता है। एंड बाकी डीजो के दोनों ही नेकबैंड में लैटेंसी मुझे काफी कम लगा, ना के बराबर मुझे लगा है, बट बोट रॉकर्स 255 नियो में आपको हल्का से ज्यादा लैटेंसी मिल जाता है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी तीनों के मुकाबले। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो बोट को छोड़ के बाकी तीनों नेकबैंड में आप कर सकते हैं, बट अगर आप एक प्रो गेमर है, आप गेमिंग के लिए ही नेकबैंड परचेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डीजो वेयरलेस डैश या फिर डीजो वेयरलेस पावर के साथ आप जा सकते हैं, लैटेंसी जो आपको यहाँ पर ना के बराबर देखने
को मिल जाता है। दोस्तों इन चारों ही नेकबैंड का डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ, एक एक चीज को हमने वहां पर दिखाया हुआ है। तो जो भी नेकबैंड आप परचेस करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। और इन चारों ही नेकबैंड का जो प्राइस है वो डाउन होता रहता है, तो सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि अभी ये किस प्राइस पर अवेलेबल है। स्पेशली ओप्पो इनको M32 आपको 1499 रुपीज पे कभी कभी मिल जाता है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करूं इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा एंड कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए कौन सा नेकबैंड परचेस करना सबसे सही रहेगा। तो अगर आप एक रफ यूजर है, आप नेकबैंड को बहुत रफली यूज करते हैं, आप उतना केयर नहीं कर पाता है, तो मेरे हिसाब से बोट रॉकास्ट 255 न्यू आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज ये मुझे सबसे तगड़ा लगा है। बट हाँ, साउंड क्वालिटी से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट हाँ कॉल क्वालिटी एंड बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिल जाता है। इसके बाद अगर आपका मेन प्रायोरिटी है साउंड क्वालिटी, आप म्यूजिक के लिए एक नेकबैंड परचेस करना चाहते हैं, तो भाई ओप्पो इनको M32 इससे बेटर नेकबैंड आपको मार्केट में आज के दिन पे नहीं मिल सकता है साउंड क्वालिटी के मामले में। साथ ही जो कॉल क्वालिटी है, जो बैटरी बैकअप है, यहाँ पर भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है अगर आप इसके पुराना वर्जन से कंपेयर करेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो वायर है वो आपको थोड़ा सा पतला मिल जाता है, तो थोड़ा सा केयर करके यूज कीजिएगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसका रेगुलर प्राइस तो है 1800 रुपये, बट सेल के टाइम पे आपको इजिली 1500 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। एंड भाई 1500 रुपये के हिसाब से ये स्टील डील है, आप आंख बंद करके इसको परचेस कर सकते हैं। एंड साउंड क्वालिटी भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ऑसम साउंड क्वालिटी आपको यहां पर मिल जाता है। एंड अगर बात करो ओवरऑल सबसे बेस्ट नेकबैंड के बारे में, तो भाई डीजो वर्डलेस डैश मुझे ओवरऑल सबसे बेस्ट लगा है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो कॉल क्वालिटी वो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, एकदम भी नॉइस को ये कैंसिल कर देता है। साथ ही बैटरी बैकअप भाई इनसीन आपको बैटरी बैकअप मिलता है, 28 घंटे के आसपास मुझे बैटरी बैकअप मिला है। एंड साथ ही इसका जो लुक्स है वो भी दिखने में काफी अच्छा लगता है, स्पेशली साइड का जो मॉड्यूल है, जो बिल्ड क्वालिटी वो भी आपको यहां पर बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड जो साउंड क्वालिटी है वो भी भाई प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भाई ये सबसे बेस्ट नेकबैंड है। एंड एक और चीज तो मैं भूल ही गया था भाई, गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको यहां पर काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली ओवरऑल अगर आप बेस्ट नेकबैंड परचेस करना चाहते हैं, तो डीजो वायरलेस डैश आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड डीजो वायरलेस पावर भी ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा नेकबैंड है, बट अगर आपको 200 रुपये डीजो वायरलेस डैश मिलता है, जहां पर आपको 30 घंटे का बैटरी बैकअप, साउंड क्वालिटी बेटर, कॉल क्वालिटी बेटर मिलता है, तो आप इसको क्यों परचेस करेंगे। तो इन चारों में से जो भी आप परचेस करना चाहते हैं, सभी का बेस्ट बाइक लिंक साथ में और जो जो कलर ऑप्शन अवेलेबल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा एंड आप डिसाइड कर पाए होंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। और पहली बार चार नेकबैंड को एक साथ में मैंने कंपेयर किया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड साथ ही अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।